स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम इस मार्केटिंग सीरीज की 8th वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज पब्लिक रिलेशन मींस व्हाट इज पीआर। दोस्तों लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पब्लिसिटी, पीआर, इन सब चीज़ों में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पब्लिसिटी के बारे में बताया, इसमें हम आपको पीआर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अच्छे से समझना, जानना और इस मार्केटिंग की सीरीज को आप अपने दोस्तों, कुलीग्स पे भी शेयर कीजिए, बिकॉज इससे डिजिटल मार्केटिंग में तो फ़ायदा होगा ही होगा, सेल्स ग्रोथ में फ़ायदा होगा, ऑफलाइन मार्केटिंग में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज पब्लिक रिलेशन मींस पीआर क्या होता है। दोस्तों अगर आप एडवर्टाइजर हैं या आप एंटरप्रेन्योर हैं, कंपनी के ओनर हैं, तो पब्लिक रिलेशंस या पीआर आपकी कंपनी को एक अलग ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। तो जानते हैं पीआर क्या होता है। पीआर इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट एंड एनहेंस द रेप्यूटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। अ कंपनीज सर्वाइवल एंड ग्रोथ डिपेंड्स ऑन इट्स रेप्यूटेशन इन मार्केट। PR is the best practice of maintaining a healthy and positive relationship between organization and its public, employees, financial partners, markets, etc. इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि PR एक वो practice है, public relation अगर कोई company maintain करती है तो वो एनहेंस करती है, बढ़ाती है अपनी रेपुटेशन को, प्रोटेक्ट करती है रेपुटेशन को और उससे ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट होता है। कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और पीआर एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके रिलेशनशिप, आपके पब्लिक के संग, एम्प्लॉयज़ के संग, फाइनेंशियल पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, मार्केट में पॉजिटिव रखने में, हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि कोई भी कंपनी अपना पीआर कैसे कैसे करा सकती है या पीआर की कुछ स्ट्रेटजीज हम यहां पर जानेंगे। तो तीन मीडिया होते हैं जिसके थ्रू हम पीआर कर सकते हैं। एक ओन्ड मीडिया, मतलब अपना खरीदा हुआ मीडिया जो आपका खुद का है। सेकंड पेड मीडिया, जो आप पे करके उस मीडिया को आप पीआर करा सकते हो। एंड थर्ड अर्नड मीडिया, मतलब जो आपने खुद अर्न करा हो। तो अब इसके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा एक एक करके। ओन्ड मीडिया में क्या क्या आता है, जैसे कि आपकी खुद की वेबसाइट जो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर होती है, आपके कंपनी के कैटलॉग, ब्रोशर्स, थर्ड ब्लॉगिंग, आपके ब्लॉग्स हो सकते हैं जिसपे आप इंफॉर्मेशन देते हो, लिखते हो, ईमेल, न्यूज़लेटर्स होते हैं जो कि आप उसके थ्रू अपना प्रचार कर सकते हो, एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि आपके अपने टूल्स हैं, पावरफुल अपना मीडिया है जिसके थ्रू आप अपना प्रचार कर सकते हो, पब्लिक के संग कनेक्ट हो सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे मीडिया के ऊपर जो कि है पेड मीडिया। अब पेड मीडिया है कि हम कोई थर्ड पार्टी मीडिया यूज कर रहे हैं उनको पैसा देके, जैसे कि पहला सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल, याहू, AOL, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जहाँ पर हम अपने पेड एड्स चला सकते हैं। जैसे गूगल एड्स हम चलाते हैं, याहू पे भी हम एड्स चला सकते हैं, तो हम सर्च इंजन पे एड्स चलाते हैं, उसको सर्च इंजन मार्केटिंग हम कर सकते हैं। सेकंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर भी हम पैसा खर्च करके पेड एड्स चला सकते हैं और अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। थर्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। दोस्तों बहुत सारे आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं
जिनके बहुत फैंस ऑडियंस होते हैं, उनको आप पे करके अपनी प्रचार करा सकते हो, अपनी पॉजिटिविटी और अपनी बारे में पब्लिक को बता सकते हो, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को। अगला है दोस्तों न्यूज़पेपर एड्स। तो न्यूज़पेपर एड्स में आप अपना पैसा देके आर्टिकल्स और बहुत सारी चीजें आप ऐड दे सकते हो। वैसे टेलीविजन एड्स के थ्रू आप कर सकते हो अपना प्रचार, और आप आउटडोर एक्टिविटीज के थ्रू भी बहुत अच्छा पीआर कर सकते हो। अब दोस्तों थर्ड आता है अर्नड मीडिया। अर्नड मीडिया हो गया कि जिसमें आपके बारे में कुछ पॉजिटिव मेंशन करा गया हो न्यूज में, रिव्यूज में, उससे भी आपकी कंपनी की बहुत पॉजिटिविटी बढ़ती है। उसके लिए आपने कुछ पे नहीं करा, बट आपने कुछ ऐसी पॉजिटिव और ऐसे कार्य करे, काम करे, जिससे कि न्यूज में रिव्यू आपके अदर जगहों पे रिव्यूज आए, ठीक है, और उससे आपका ऑब्वियसली इमेज पे फर्क पड़ता है। सेकंड इसके अंदर है पॉजिटिव कमेंट्स एंड रिव्यूज बाय कस्टमर्स इन सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया। अगर आपका काम अच्छा है तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो खुद आपके लिए पॉजिटिव रिव्यूज कमेंट्स दे रहे हैं सर्च इंजन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो अपने आप में ही आपके लिए आपकी रेपुटेशन बढ़ाता है, उसके साथ साथ आपको बिजनेस ग्रो करने में भी हेल्प करता है। थर्ड है ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट के ऊपर जब आप अपने ओन्ड आपकी वेबसाइट है, आपका प्रचार हो रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, तो उसके थ्रू भी लोग आपके पास आते हैं और आपकी वेबसाइट के थ्रू आपके बारे में जानते हैं। अगला है इंक्रीज इन फॉलोवर्स एंड सोशल मीडिया। अगर आपकी पॉजिटिविटी है, काम अच्छा है, तो अपने आप ही लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, जो कि आप अपनी मेहनत से पॉजिटिविटी से बढ़ाते हैं। गेट रेफरल्स एंड रिकमेंडेशन। और ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई कस्टमर आपकी सर्विसेज से खुश है तो वो आपको रेफरल दे रहता है, रिकमेंड करता है लोगों को, जो अपने आप में अर्न आपका जो रेपुटेशन भी बढ़ती है और आपका बिजनेस भी ग्रो होता है। और इन सब के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, आपके काम आपकी पॉजिटिविटी से ही आपका ग्रोथ होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने जाना पीआर के बारे में, मतलब पब्लिक रिलेशंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा ये कंटेंट। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर आप वेबसाइट डिजाइनिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमारी एजेंसी www.marketingfundas.com पर जा सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।